नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा जिलाध्यक्ष माननीय अग्निवेश समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष जी के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के मुखिया हैं, आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हम सभी कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर धूमधाम से खुशियां मना रहे हैं। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए राज्य प्रेसिडेंट। जी हां, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल राज्य प्रेसिडेंट श्री दिलीप घोष ने अपने खड़गपुर कार्यालय में सरस्वती पूजा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर श्री घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल बन गया है। जिस राज्य में सीटिंग राजनेता की हत्या हो सकती है, वहाँ आम जनता की क्या हैसियत है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 22 सीटों का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। और इसी प्रकार से काम करते हुए देश ने परिवर्तन लाया है, 16-18 प्रदेश तक पहुंचा है, बंगाल में इस वक्त परिवर्तन। अधिक नहीं, केवल 2 ही सीट है, कम से कम उसके पीछे 2 लगा देंगे इस बार। पहली बार आए हैं, मिले हैं। सरस्वती पूजन में उमड़ा जन सैलाब। जी हां, थाना जटहा बाजार कुशीनगर में सुबह 10:30 बजे प्राथमिक विद्यालय चिरकोड़ा में सरस्वती पूजन बहुत धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ यहां प्रसाद का भी वितरण किया गया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार भारती की रिपोर्ट। सरस्वती जी के वंदना भजन तमाम लड़का गौले हम एक गौनी, लेकिन क्या तनि एक कड़ी में हनुमान जी महाराज के तनि भजन एक सुनाई। अरे चमके लतार मैया रौरा चुनारी में, अरे मैया रौरा चुनारी में, मैया रौरा चुनारी में। किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। जी हां, पंजाब में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ब्लॉक मल्लावाला में डॉक्टर कुलदीप सिंह की ओर से मेले में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक फ्री में मेडिकल चेकअप किया गया और फ्री में दवाइयां भी बांटी गई, जिसमें गरीब लोगों का फ्री टेस्ट भी किया गया। राम सिंह अटारी फतेहगढ़ सबराव छलाना जोड़ मेले ते पहुंची है प्यारी साध संग जी, गुरु फतेह प्रवान करना, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। साड़ी मेडिकल एसोसीएशन पंजाब 995 वालों हर साल की तरह छलाना जोड़ मेले ते फ्री मेडिकल चैकअप कैंप लगाया जाता है, जिस विच लोड़वंद मरीजों नू फ्री दवाइया ते फ्री चैकअप किया जाता है। इस विच साड़ी टीम दे प्रधान डॉक्टर गुरपिंदर सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह सराम, डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर तिलक सिंह, डॉक्टर बलवंत सिंह, डॉक्टर शिपाल सिंह आदि सारे हाजिर हो के इस सेवा का पूरा सहयोग देते हैं। वाहगुरु जी। परिषद की तरफ रोडवेज के 133 स्मार्ट कार्ड के आवेदन हुए प्राप्त। जी हां, पिपलियां कला पाली मानव अधिकार परिषद के तत्वाधान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पाली डिपो के सहयोग से वरिष्ठ नागरिक एवं विशेष योग्यजन स्मार्ट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि
परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि स्मार्ट कार्ड पंजीयन के बाद 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 30% की छूट प्राप्त हो सकेगी। रोडवेज के स्मार्ट कार्ड प्रभारी राहुल सेन ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर परिषद के प्रदेश मीडिया सलाहकार महावीर प्रसाद खींची, दिव्यांग पाली जिला अध्यक्ष राकेश पटेल, मजदूर मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लाला राम आदि लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से हमारे संवाददाता गोपाल दास लश्करी की रिपोर्ट। बसों में एड हो गया ग्रामीणों के लिए स्मार्ट कार्ड के लिए शिविर लगाया, इसकी जानकारी। ये पाली डिपो के तहत हमने लोगों को जागरूकता नहीं होने के कारण हमने जागरूकता कैंप लगाया और लोगों को जानकारी मिल सके कि भाई रोडवेज की तरफ है जो वरिष्ठ नागरिक है या 80 साल के हो गए हैं, इसके अलावा विकलांग है, तो उनको रियायत दी जा रही है। उसके तहत हमने ये कैंप का आयोजन रोडवेज पाली डिपो को लिख के भेजा था, तो उन्होंने यहाँ पे 10 तारीख को कैंप की डेट दी और आज कैंप लगाया है। सर आपके ह्यूमन राइट के तहत कोई और दूसरे गांव में भी ऐसा? हाँ, हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है इसके तहत। 100 कार्ड मतलब एक तो एक ग्रामीण एरिया से अगर 100 कार्ड बन रहे तो आसपास के क्षेत्र में भी काफी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रियायत का फायदा उठा सके, इसीलिए हम इस कार्य में पूरा जी जान लगाकर पूरा कार्य करेंगे। पाली क्षेत्र के अंदर कोई भी गांव जो ये रियायती स्मार्ट कार्ड है वो सबके पास हो। अगला कैंप कहाँ रखने का? हमारा आसपास के क्षेत्र जैसे रायपुर है, निम्बाज है, ये आसपास के क्षेत्र में, इसके अलावा बिलड़ा जो पाली क्षेत्र के अलावा पाली जिले के अलावा दूसरे जिले भी इसकी डिमांड आई है, हमारे पास कॉल आई है, क्योंकि मीडिया के तहत सारे लोगों के पास इस प्रकार की ये जो सूचना पहुंची है, तो इसके तहत हमको एक जानकारी मिली कि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के कैंप लगाने की सख्त जरूरत है ताकि हर आदमी को इसकी रियायत मिल सके। रोडवेज डिपार्टमेंट की ओर से आपने ये शिविर लगाए हैं, इसमें क्या ये बनाए गए? अभी तक कार्ड बन गए हैं 101, जिसमें से 285 अबव उम्र के लोग हैं जो निःशुल्क है और 20 है जो विकलांग के कार्ड बन चुके हैं। कार्ड बनाने की क्या है वरीयता रखी गई है? इसमें वरीयता कुछ नहीं है, इसमें तो वरिष्ठ नागरिक के लिए 60 साल उम्र रखी गई है, 30% छूट, और जो विकलांग है को भी जो भी रोगी हो वो भी इसमें निःशुल्क काउंट होता है, और इसमें कंजक्शन 30% छूट उन्हीं को मिलती जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं या 60 साल तक पहुंच चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ये शिविर लगाने का क्या उद्देश्य रहता है डिपार्टमेंट? ग्रामीण क्षेत्र में उद्देश्य ये रहता है कि रोडवेज के प्रति जागरूक होए और ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज में यात्रा करें और थोड़ी रोडवेज जो भी थोड़ी बहुत घाटे के ऊपर आ जाए।